हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मधुस किचन। तो आज मैं ना आप लोगों के साथ बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये सब्ज़ी की रेसिपी इतनी टेस्टी बनती है कि इसके सामने ना मछली की ग्रेवी भी एकदम फेल है। अगर आप इसे बना लेंगे ना तो आपके फैमिली जो मेम्बर्स है वो बहुत ही खुश हो जाएंगे और उन्हें ये सब्ज़ी डेफिनेटली पसंद आने वाली है। तो चलिए बिना किसी ज़्यादा बकबक किए हम रेसिपी को शुरू करते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ मसालेदार सरसों वाली ग्रेवी की भिंडी की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम भिंडी को अच्छी तरह से धो लिया था और साथ में हमें आलू को भी ऐड करना है। तो 4 मीडियम साइज़ के आलू को मैं कट कर लूँगी। अगर आप चाहें तो आलू को स्किप कर सकते हैं, ये आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप यूज़ कीजिएगा। तो आलू को मैंने छील लिया और लंबे लंबे आकार में इसे हमें कट कर लेना है। तो एक आलू के हमें 4 टुकड़े बनाने हैं और साथ ही जो भिंडी है उसे भी काट के हमें रेडी कर लेना है। सीरियसली ये सब्ज़ी इतनी टेस्टी होती है ना कि मछली भी इसके सामने फेल है। मेरे घर के तो सारे मेम्बर्स इसे बहुत पसंद करते हैं और मेरी भी ये बहुत ही फेवरेट सब्ज़ी है। आप इसे दाल चावल के साथ खाइए, आपको ये सब्ज़ी बहुत पसंद आने वाली है। तो इस सब्ज़ी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और पसंद आए ना रेसिपी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं ना और अगर रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली जो वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को मिलती रहे। तो आलू को हम अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे। तो 3-4 बार अच्छी तरह से मैं इसे वॉश कर लूँगी। अब ना भिंडी को कट कर लेना है। तो इसके दो एजेस जो होते हैं, दो किनारे, इसे कट कर लेना है और इसे दो टुकड़ों में हमें डिवाइड कर देना है। अगर भिंडी छोटी साइज़ की हो तो कट करने की ज़रूरत नहीं है, बट मेरे पास ना जो भिंडी थी वो थोड़ी लंबी थी तो इसे मैं दो टुकड़ों में कट कर लूँगी। कढ़ाई में अब हमें सरसों का तेल ऐड करना है, मस्टर्ड ऑयल। इसमें ना ये ग्रेवी ज़्यादा टेस्टी बनती है। और तेल को हमें अच्छी तरह से गर्म करना है पहले, उसके बाद हम इसमें कटे हुए आलू को ऐड करेंगे और इसे लगातार चलाते हुए हमें ब्राउन होने तक भुनना है। तो थोड़ी देर तक आलू को लगातार चला के भून लीजिएगा। इसे देख के आपको पता चलेगा कि आलू भुन गई है, उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। वापस से हम कढ़ाई में भिंडी को ऐड करेंगे और इसे भी अच्छी तरह से हम लोग ना फ्राई करके भून लेंगे। सब्ज़ी को आप पहले अगर भून लेंगे ना तो बाद में जब ग्रेवी तैयार करेंगे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो पहले हम आलू को फ्राई कर लेंगे और उसके बाद भिंडी को भी हम लगातार चलाते हुए 2-4 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। गैस की फ्लेम को लो कर दीजिएगा और इसे कवर करके पकाइएगा। इसमें थोड़ा सा हम सॉल्ट ऐड करेंगे ताकि क्या है, जो भिंडी है वो सॉफ्ट हो जाए कुकिंग के प्रोसेस में, मतलब बाद में हमें ज़्यादा मतलब इसे पकाना नहीं पड़ेगा ग्रेवी के साथ। तो जब तक ना भिंडी फ्राई हो रही है हम लोग मसाले रेडी कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच सरसों के दाने लिए हैं पीली वाली और 7-8 लहसुन की कली, और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। अगर आप लोग तीखा ज़्यादा खाते हैं इसमें हरी मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। तो भिंडी हमारी फ्राई हो गई थी तो अब हम इसे निकाल लेंगे पैन से और थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल वापस से इसमें ऐड करेंगे और तेल को अच्छी तरह से गर्म करने देंगे हम लोग। तेल जब हमारी गर्म हो जाएगी तब मैं इसमें 1 चम्मच सरसों के दाने को ऐड करूंगी और इसे थोड़ी देर तक चटकने देंगे। उसके बाद ना हम इसमें अपने मसालों को ऐड कर देंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करके ये जो बाकी मिक्सी के जार में जो मसाले बचे हैं ना उसका भी यूज़ कर लेंगे। मसालों को वेस्ट नहीं करना है और इसे हमें अब अच्छी तरह से भुनना है। तो थोड़ी इसमें हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच से थोड़ा सा कम, और लाल मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। अगर आप लोग तीखा ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा ऐड कीजिएगा। और मसालों को हमें अच्छी तरह से चला के भुनना है। गैस की फ्लेम को लो मीडियम रखना है और मसालों को अच्छे से भुनना है। मसालों को आप जितनी अच्छी तरह से भुनिएगा आपकी जो सब्ज़ी है ना उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। इस ग्रेवी में ना बैंगन की सब्ज़ी भी बना सकते हैं, सहजन की सब्ज़ी बना सकते हैं और फिश करी को भी बना सकते हैं। इसमें अब हम टमाटर को ऐड करेंगे और टमाटर को भी अच्छी तरह से चला के हम लोग भून लेंगे। इस ग्रेवी में ना आप फिश करी भी बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। थोड़ा सा हम लोग इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, इससे क्या होगा टमाटर जो है जल्दी गल जाएंगे और मसालों का टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो लगातार चलाते हुए इसे अच्छी तरह से भुनिएगा, पैन को कवर कर दीजिएगा और थोड़ी देर तक धीमी आंच में मसालों को भुनिएगा। तो देखिए टमाटर हमारे अच्छी तरह से गल गए हैं। अब ना इसमें मैं आलू को ऐड करूँगी। आलू को पहले ही भुनना है मसाले के साथ, इससे क्या है क्योंकि आलू को पकने में ना थोड़ा ज़्यादा समय लगता है।
तो आलू को आप अच्छी तरह से लगातार चलाते हुए भूनिएगा, या फिर पैन को कवर करके भी भून सकते हैं। गैस की फ्लेम को लो कर दीजिएगा। अब हम इसमें भिंडी को ऐड करेंगे और इसे भी अच्छी तरह से चला के हमें मिला लेना है। भिंडी की ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है और गर्मा गर्म चावल के साथ तो ये बहुत अच्छी लगती है। मुझे तो ये बहुत पसंद है। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। अब मैं इसमें ग्रेवी के लिए पानी ऐड करूंगी, तो मैंने यहाँ पे 1 गिलास पानी का यूज़ किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग पानी यूज़ कर सकते हैं। अब हमें इसे मिला लेना है और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करना है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और अच्छी तरह से ना सब्ज़ी को मिला लेना है। तो देखिए हमारी सब्ज़ी अभी ही कितनी टेम्पटिंग दिख रही है, बहुत ही यम्मी बनती है। पैन को कवर करके पकाएंगे तो देखिए मेरी जो सब्ज़ी है अच्छी तरह से मैंने पका लिया। 10 मिनट तक मैंने इसे पकाया था तो सब्ज़ी हमारी रेडी हो गई है। आलू को काट के देखेंगे तो देखिए सब्ज़ी रेडी है। अब मैं इसे सर्व कर लूँगी। अगर आप लोग कम ग्रेवी चाहते हैं तो इसे और थोड़ी देर तक पकाइएगा। तो इस सब्ज़ी को ना आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही झटपट बन जाती है। तो देखिए हमारी सब्ज़ी रेडी है, बहुत ही टेस्टी बनी थी। आप लोग इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और अगर रेसिपी पसंद आई है ना तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक लिए बाय बाय। बहुत ही टेस्टी बनी थी तो इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू सो मच।